इस समय कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से पूरी दुनिया परेशान है। सवाल ये उठ रहा है कि हमें जो वैक्सीन लगी है, क्या वो डेल्टा वेरिएंट से बचा पाएगी? क्या हमें डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए तीसरा डोज बूस्टर वैक्सीन के तौर पर लेना होगा? क्या बूस्टर वैक्सीन हमें डेल्टा वेरिएंट से बचाने में कारगर होगा? तो आपको बता दें कि अमेरिका में जो वैक्सीनेशन चल रहा है, उसकी वजह से लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी बनी है, उन्हें इस वेरिएंट से सुरक्षा मिल रही है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि जिन अमेरिकी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, उन्हें डेल्टा वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें किसी तरह के बूस्टर शॉट या टीके की जरूरत है। दोनों संस्थाओं ने कहा कि हम लगातार कोरोना के आंकड़ों पर नजर रख रहे हैं, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत लोगों को बताएंगे, फिलहाल बूस्टर वैक्सीन की जरूरत नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार अमेरिका की दोनों सर्वोच्च मेडिकल संस्थाओं का बयान ऐसे समय में आया है जब फाइजर बायोटेक अपनी वैक्सीन का बूस्टर शॉट की अनुमति मांगने की तैयारी कर रहा है। हालांकि सिर्फ यही दवाई कंपनी ऐसी नहीं कर रही है, बाकी अन्य कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियां भी बूस्टर शॉट की जरूरत को लेकर स्टडी कर रही है, ताकि जैसे ही जरूरत हो तो उसे पूरा किया जा सके। एक्सपर्ट्स ने फाइजर बायो एनटेक की इस तैयारी को लेकर काफी आलोचना की है। फिलहाल अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सारे टीके कोरोना वायरस के खिलाफ काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इतना ही नहीं, ये तीनों वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी काफी ज्यादा प्रभावी है। रॉयटर्स के मुताबिक दूसरी तरफ यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा ये कोविड-19 वैक्सीन के दो डोज के बाद तीसरे बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।